I thought I will share something which inspires confidence in the criminal justice administration system. कुछ दिन पहले हमारे जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं JDP साहब रियाज साहब, इन्होंने कुछ ऐसे डाटा और स्टैटिस्टिक्स लाए पुलिस हेडक्वार्टर्स में जब हम बात कर रहे थे, तो खासकर हम नारकोटिक्स के फाइट के सिलसिले में रिव्यू कर रहे थे, तो उस सिलसिले में कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने लाए जो इनकरेजिंग है और एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है. तो हमने सोचा कि इसको साझा किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए. जैसे ये रियाज साहब ने ये लाया, 2024 की डेटा है ये, मैं सरसरी तौर पे शेयर करूंगा. इसमें पूरे साल में अभी तक नहीं, जुलाई तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक, 7 महीने में 150 कन्विक्शंस हैं. और मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली कन्विक्शंस है, इसमें एक्विटल्स भी हैं, तो उनका तादाद जो है वो 107 है. और 12 केसेस ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो गए, यानी कि चार्ज फ्रेम नहीं हुए. तो एक तरफ से अगर आप ये पूछेंगे कि साहब एक्विटल भी तो हो रहा है, सही है कि एक्विटल हुआ है, और एक्विटल 107 अगर 7 महीने में हुए हैं, तो 150 कन्विक्शंस भी हैं. तो सो दी मैंने टू पुट इट इन इंग्लिश इज दिस दैट दी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम व्हेन इट कम्स टू फाइट अगेंस्ट नारकोटिक्स एज एन एग्जाम्पल इज कमिंग बैक टू लाइफ. इट इज नॉट अजीफ द सिस्टम इज कंप्लीटली डिफॉन्ट. इट इज नॉट. So when I myself came across the data provided by my chief law officer, I thought it is important to share it in the public domain. So this was in a nutshell actually the reason as to why we have met, hum kyun yahan pe mil rahe hain. Aur iske sath sath main ye bhi kahunga, mere khayal mein mere chief law officer sahab is pe zyada roshni dalenge, कि जहाँ पे एक्विटल्स हुए हैं, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि एक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप जैसे पूछ रहे थे कहीं किसी और मोड़ पे कि एक्विटल्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप अगर चूंकि आप मॉनिटर करते हैं रियाज साहब, इसमें आप ये बता सकते हैं कि आपने कितने सैंक्शंस वगैरह लिए, अपील के जो सिस्टम है वो भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. 60 केसेस. And out of 60 cases, 45 cases sanction has been acquired by government, and appeals have been filed in higher court. The rest of the cases, they are still lying with the government, and we have discussed those cases with the government several times, and within 15 or 20 days, they are going to acquire sanction in those cases also. कहने का मतलब है कि जहाँ पे अपील हो, माने जहाँ पे डिस्चार्ज वो एक्विटल हो जाता है, वहाँ पे भी हम बड़ा अग्रेसिवली इसको वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और परमिशन मिल भी रहे हैं कि उसको हायर कोर्ट फोरम पे जाके चैलेंज करने के लिए. तो साथ साथ में हमने इन्वेस्टिगेशंस में जो माने इन्वेस्टिगेशन एक लंबा काम है, इसमें आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, विटनेस इकट्ठा करते हैं, आप सामान को ठीक तरीके से सीजर करते हैं, उसको FSL में भेजते हैं, फिर इसकी रिपोर्ट लेते हैं, फिर इसको कोर्ट में पेश करते हैं, फिर एक्सपर्ट्स को भी कोर्ट में बुलाते हैं, फिर उसको उसका स्टेटमेंट होता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन को होता है, उसको सस्टेन करते हैं. तो ये एक बड़ा लंबा और एक टीडियस और कम्बरसम प्रोसेस होता है, और इसकी जो मैंने जो इसकी जो अप्रिसिएशन इस हार्ड वर्क का कई बार जो है वो कम होता है. हमने पिछले दिनों में ऐसे चीज़ों को रिवार्ड के तौर पे या रिकॉग्निशन के तौर पे, मैंने इसको करने के जो पॉलिसी है और जो वो है नज़रिया है, उसमें तबदला लाए हैं. तो
तो मैं स्टाफ ऑफिसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किस किस्म के रिवार्ड्स हम इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन में दे रहे हैं या पॉलिसी के चेंज के हिसाब से। रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट देते हैं और ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को मिलता है। इसमें जैसे सर ने ब्रीफ किया, ऑल द लॉ ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और जो निटिग्रिटीज होती हैं केस की, जो कोर्ट्स में हमारे पैरवी अफसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, सो एज ए टीम इन सबको एक तो डीजीपी कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला देते हैं हम, साथ में कैश रिवार्ड देते हैं। कैश रिवार्ड हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को दिया जाता है और अभी लेटेस्ट हमने जो एक 11 केसेस को हमने डिस्पोज किया और उसमें कैश रिवार्ड वेरीज फ्रॉम 75,000 टू 1.5 लाख आल्सो। सो ये अभी कंटिन्यू चल रहा है हमारा प्रोसेस। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, मतलब मैं आपको इंडिविजुअल स्टोरीज नारकोटिक्स के सिलसिले में जैसे मैं बताऊंगा अभी, तो एक कुपवाड़ा की एक केस है जहां पे 20 साल की सजा हुई है दो मुलजिम को, सैयद इश्फाक शाह और खुर्शीद अहमद गुजर। तो ये केस जो है 15 पैकेट हेरोइन का सीजर हुआ था और इनमें दो लोग पकड़े गए थे और इसमें 20 साल की सजा, और इसमें जो लोग इसमें टीम जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इसमें इंस्पेक्टर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, हेड कांस्टेबल रैंक के लोग हैं। तो इस वाली केस में अगर हम निकालें जो है ये वाली केस में, अगर 5,000 और कमेंडेशन सर्टिफिकेट नहीं, इनके जो बंदे हैं जी जी सर, जिनको 20 से वी वुड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ सच स्टोरीज, जहां पे मतलब हम यहां तक के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जो है जिसने एक सर्च में पार्टिसिपेट किया है, कुछ चीज़ों में हमने देखा कि 10 साल पुरानी केस है, आज उनको सजा मिल रही है, तो हम 10 साल पुराने वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो रिटायर कर गया है, घर पे बैठा है, फिर भी हम उसका नाम निकाल के उसको कमेंडेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उसको कैश रिवार्ड्स उसके घर में भेज रहे हैं कि आप तब मेहनत करे थे, आज वो रंग ला रहा है और सस्टेन्ड तरीके से वो कोर्ट में जा रहा है, पेश हो रहा है और उसकी वफादारी अजय, आई मीन ही कैन चूज टू बी, क्योंकि मैं कहीं मेरे दोस्तों से, मीडिया की दोस्त और जो मैं डिपार्टमेंट में जो पुलिस अफसर्स कलीग्स होते हैं उनके साथ कई बार शेयर करता हूं कि एक बहुत बड़ा हमारा वीकनेस ये है कि विटनेस बेस्ड सिस्टम है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर विटनेस सच नहीं बोलता है उसको या मुकर जाता है तो उसको सच नहीं बोलने के लिए जो डिसइंसेंटिव है, जो उसको सजा होनी चाहिए, जो जस्टिस को वो सबवर्ट करता है, डिले करता है या भंडूर करता है, उसके लिए जो उसकी लायबिलिटी ठहराना है उसमें अभी भी हमें लगता है कि कमी है। ये कल्चर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, हमारी एक बहुत बड़ा वीकनेस है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उसमें उसको मद्देनजर जो पुलिस ऑफिसर रिटायर हो जाता है उसका तो कोई कंट्रोल हमारे पास तो होता नहीं है इमिडिएट, तो फिर भी वो आता है और गवाह देता है और रेगुलरली आता है, अपना काम धंधा छोड़ के अपना दिन खराब करके आता है, पूरे दिन कोर्ट में रहता है और करता है। तो मेनी ऑफ दिस केसेस, डिटेल्स ऑफ विच वी विल प्रोवाइड यू, हम आपको डिटेल्स दे देंगे, इंडिविजुअल स्टोरीज भी दे देंगे और स्टैटिस्टिक्स भी दे देंगे। तो इससे हमारी मैंने आज की छोटी सी जो ये मीडिया इंटरेक्शन था उसका मकसद ये था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभी भी जान है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स डिफरेंट रैंक्स के छोटे से लेकर बड़े तक उस पर काम कर रहे हैं, FSL से रिपोर्ट आ रहे हैं, एडजुडिकेशन हो रहा है, जज साहिबान सजा भी दे रहे हैं और जहां सजा कम है या छूट रहा है वहां पे अपील भी है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का प्रयास भी है। काम बहुत और करना है, बाकी है, ये भी है। और ये भी सच है कि पिछले एक साल में
नार्कोटिक्स को लेकर जो प्रॉपर्टी सीजर है तो उसमें एक डेफिनाइट इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट अबाउट 40-45% हुई है। खाली नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के हिसाब से नहीं, टोटल अमाउंट माने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम मोटरसाइकिल और स्कूटर पकड़ के हम छोड़ रहे, वो जो हमारी एक पॉलिसी में एक अहम अंग था कि आप अगर नार्कोटिक्स में डीलिंग करके पैसा बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वो आप हजम नहीं कर पाएंगे। उसको मद्देनजर रख के अगर आप हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की एफर्ट्स को मेजर करते हैं, तो आप देखेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लास्ट अबाउट वन ईयर और वन एंड हाफ ईयर्स इन विच प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर NDPS हैज इंक्रीज ऑलमोस्ट अबाउट 45-50% इन वैल्यू। आई थिंक इट इज मोर क्वालिटी वाइज। सो दिस इज वॉट आई थिंक वी विल आई थॉट आई विल शेयर विद मीडिया फ्रेंड्स एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस बोथ एमंग द कुलीग्स हु आर डूइंग गुड वर्क एंड द पब्लिक हू इज पार्टिसिपेटिंग एंड हेल्पिंग अस फाइट। थैंक यू। How widespread is the drug peddling and drug abuse, given that the seizures have gone up by 40-45%? I said the seizure, the property seizures, yes. So what I'm saying, yes. If properties seized have gone up, yes. Definitely abuse must be up also. I mean, any idea how widespread is it? See, firstly, we do not have any scientific survey as of now to actually have a very authentic data as to how many persons, if you are saying, did you say drug abuse? Drug abuse and peddling, both. Drug abuse and peddling. So, in the absence of a very scientific survey or a research, it can only be on the basis of the information that we have from the de-addiction centers. And number of cases is one another indicator, but both are not very accurate. I would say that the seizures, the property seizures, is because of the problem which has persisted over a period of time. ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक आपका 4-5-6 साल से कोई पैसा कमा के फिर वो घर बना रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक ही दफे में उसने बना लिया। तो इसलिए इसको मेजर करके इसको कंपैरिजन करने में एक चैलेंज है। मैं इसके ऊपर कोई फिगर इस तरीके से एक हाइपोथेटिकल एक कंजेक्चर फिगर देने से परहेज करूंगा। देखिए, मैंने ऐसा है, देर आर टू पार्ट्स टू द क्वेश्चन, आई थिंक टू डिफरेंट क्वेश्चन विच यू पोस्ड। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि नार्कोटिक्स और टेररिज्म की कनेक्शन, ये पूछा आपने, ये एक पुराना सवाल है और बड़ा रेलेवेंट सवाल है। मैं कई जगह पे ये कह चुका हूँ कि पहले नार्कोटिक्स और टेररिज्म के बीच की संपर्क जो है, कनेक्शंस, वो इतने क्लियर नहीं थे। 2 साल पहले हो सकता है कि इसके कनेक्शंस इन्वेस्टिगेशन के जरिए सामने नहीं आया था। इंटेलिजेंस इनपुट्स हमेशा रही है, पर आज के दिन में डजन्स ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाई NIA, बाई SIA, बाई NCB and by district police, executive police at different police stations, also by the special wing of ANTF. ये सारे केसेस अगर मैं आपको कई सारे केसेस ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जहाँ पे सोर्स जो है वो आइडेंटिफाइड हो चुका है by way of a name, a person with a telephone number, और उसकी फिजिकल लोकेशन पार
पाकिस्तान में, उन लोगों का पुराना हिस्ट्री कि दे आर कनेक्टेड विथ वन और द अदर टेरर आउटफिट, इसकी क्लियर कट एविडेंस आ चुका है कि सोर्स जो भेजने वाले लोग हैं, देखिए ऐसा है, हीरोइन डज नॉट, आई मीन पॉपी इज कन्वर्टेड इनटू हीरोइन बाय वे ऑफ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जे एंड के में ये तो होता नहीं, उगता नहीं, होता नहीं। जे एंड के में हमारी ट्रेडिशनली जो है वो चरस रहा है, तो वो हम तो अगर आप हार्ड ड्रग्स हीरोइन की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल मैंने ए टू जेड जो है इट इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस। यहाँ पे कोई उसकी प्रोसेसिंग फैक्ट्री नहीं है और वो जो रिक्वायर्ड केमिकल्स और उसकी प्रोसेसिंग की जो है ओरिजिनल पॉपी को जिस तरीके से ग्रो किया जाता है वो भी हमारे यहाँ नहीं है। ये सारे के सारा आता है वहाँ से। और जैसे मैंने कहा कि बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन मैंने लिंकेजेस में इट हैज़ बीन क्लियरली फाउंड आउट। जैसे मान लीजिए कि हमने कुपवाड़ा में, करना में या फिर उड़ी की आगे में जहाँ पे हम लास्ट वाले बंदे को पकड़े हैं कि साहब तुम्हारे यहाँ से मिला, तो उसकी इंसाफ और उसकी टेलीफोन डिटेल्स और उसकी बाकी जो कम्युनिकेशन चैनल में से क्लियरली ये आता है कि साहब वो पार से उसको सोर्स करा है। दिस इज वन एविडेंस, सेट ऑफ एविडेंस अबाउट द कनेक्शन बिटवीन टेरर एंड नार्कोटिक्स। द अदर इज ये सामान आने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कुछ यहीं पे सेल हो जाता है, फिर आगे जाता है रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाके सेल होता है, फिर रिवर्स गियर में पैसा इकट्ठा होके आता है। देर आर डजन्स ऑफ केसेस जहाँ पे ये पैसा रिवर्स गियर में जब आया है उसको इंटरसेप्ट किया गया है। मतलब एक हो गया आपका सामान पार से आना और यहाँ पे इसकी कंजम्पशन होनी, इसको ट्रांसपोर्ट करनी, फिर बिगर और लार्जर मार्केट्स में उसको पुश करना और आपका पकड़ा जाना, बीच में से सामान पकड़ा जाना, नार्कोटिक्स कंट्राबैंड पकड़ा जाना। तो उसको इन्वेस्टिगेट करके आपने ये पता कर रहे हो कि कहाँ कहाँ से आ रहा है और उनकी उनकी कम्युनिकेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो हार्ड एविडेंस इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ यू नो डिजिटल एविडेंस एंड बैक बाय हिज ओन कन्फेशन व्हिच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय वे ऑफ यू नो कॉरोबोरेशन कि साहब ये तो फलाने फलाने से इसको सोर्स किया है। दूसरा एविडेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसा कलेक्ट होकर रिवर्स गियर में आ रहा है करोड़ों में, जैसे फर्ज करिए आपने, अच्छा वन ऑफ द केसेस आपका जो मैंने सरसरी तौर पे आपने पूछा, मैंने बाबू सिंह वाला केस है जो केस में आपने 6 लाख रुपया पकड़ा कि आप लेके दे रहे थे वहां पे कि एक सेल खोला जाए सेपरेटिज्म की जम्मू में हुरियत की पैटर्न पे, फिर उस वाला को जब रिवर्स गियर में आपने इन्वेस्टिगेट करके अभी चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट, चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, ट्रायल हैज स्टार्टेड, उसमें जब रिवर्स गियर में आप उस पैसे को देखते हैं कि ये 6 लाख रुपया कहाँ से आया, तो फिर पता चला कि एक्स के पास उसकी जो है मैंने इतना बड़ा रकम था उसमें से 6 लाख गया, बाकी रकम कहाँ गया, बाकी रकम उसने पता चला कि इसने ही हैज गिवन इट टू एक्स टेररिस्ट एज मुआवजा, मतलब ईद में उसमें किसी के घर में 20,000 किसी के घर में 25,000 और मिस्टेक इनसे हो भी जाती है, इन्होंने बैंक के जरिए भी कई बार पैसा भेज देते हैं क्योंकि जल्दबाजी है, तो इसकी भी एविडेंस आ चुका है। सो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एविडेंस बिटवीन द नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म लिंकेजेस बोथ व्हाइल द सामान इज गोइंग दिस वे एंड इट्स इंट्रोडिक्शन एंड इट्स बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड व्हेन द पैसा इज कमिंग दिस वे एंड इट्स इंट्रोडिक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इट्स अ सोर्सिंग। वहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं जैसे पंजाब में है, पिछले दिनों में एक वो जो 30 kg का जो रामबन में सीजर हुआ था, वहाँ जब उसको गए तो पंजाब में जाके हमको हाथ लगा 5 करोड़ का पैसा, उसके साथ हथियार भी। मेनी ऑफ दिस मटेरियल विच इज कमिंग नार्कोटिक्स जो है उसके साथ ड्रोन ड्रॉपिंग्स में कई सारे नार्कोटिक्स के सामान आए हैं, उसमें भी डिजिटल एविडेंस, उसके साथ साथ हथियार भी आता है, मतलब इट इज़ लाइक यू नो इट्स ए बोनस। तो आपने 10 kg वहाँ भेज दिया, साथ में 2 पिस्टल भी भेज दी, क्योंकि ये क्रिमिनलाइजेशन नार्कोटिक्स टेररिज्म सब मिला जुला के फेंट बन रहे हैं। सो देयरफॉर द आंसर इज इट्स वेरी क्लियर दैट द नार्कोटिक्स इज टर्निंग आउट टू बी ए सोर्स ऑफ इट्स ए डबल ट्रिपल वामी अगेंस्ट द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम।
ये इस पे कोई दो राय और कोई इस पे और गुंजाइश नहीं रह गया है कि यह यहाँ नहीं बनता है, एक ग्राम भी नहीं बनता है J&K में, नहीं बनता है। और ये सारा का सारा जो है वो बाहर से आता है, फिर यहाँ कंज्यूमशन होती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मिडिल क्लास है, एक सोसाइटी है जहाँ पे मतलब इसको बेचा जा सकता है, फिर बाकी चीज सामान जाता है बिगर मार्केट में कंट्री में। सर, 2000